नमस्कार, आप देख रहे हैं समय न्यूज और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, क्राइम, खेल और आम क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना देश दुनिया की एक अनूठी योजना है। इस योजना पर सभी लोगों की निगाह है। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत के एक पखवाड़े के भीतर इसके उत्साहजनक परिणाम देखने और सुनने को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीणों, किसानों और पशुपालकों के जीवन में बदलाव लाने वाली तथा लोगों को 12 महीने रोजगार देने वाली योजना है। मुख्यमंत्री आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के पहले भुगतान का शुभारंभ करते हुए उक्त बातें कही। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 46,964 गोबर विक्रेताओं के खाते में 1,65,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद महेंद्र कर्मा की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम पर प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री और लोकप्रिय नेता शहीद श्री महेंद्र कर्मा की जयंती पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगणों ने भी शहीद श्री कर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर के नाम से जानी जाती थी। वे आदिवासियों के हक की हर लड़ाई में दमदारी से खड़े रहे। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए समय न्यूज। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हर ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूले बेल आइकन। नमस्कार।